बहुत अच्छा था, लाइक ब्रेकडाउन भी हुई हूँ और बाद No, mami, sorry.
Thank you.
अभी लेना चाह रहा हूँ रिव्यू कि इकफाई का फेयरवेल कैसा हुआ एटसेट्रा और सब कुछ। तो भाई ऋषभ, इकफाई में फेयरवेल हुआ, ठीक है, तुझे कैसा लगा? वैसे तो बहुत अच्छा लगा कि इतने दिनों के बाद है आए हम लोग, मतलब बहुत दिन से इकफाई में आया ना, मतलब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल इकफाई में तू नहीं आया, वही तो बोल रहा ना। हाँ बोल, बहुत दिन से इकफाई नहीं आया तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जूनियर ने भी बहुत स्वागत किया, अच्छी तरीके से स्वागत किया, अच्छा लग रहा है। और तेरा इकफाई के जाने कैसा था? इकफाई जाने तो भाई बहुत मस्त था, मतलब सबका, हम लोग जितने थे क्लास में सबका बहुत अच्छा था। तो तेरा पर्सनली कुछ? हाँ बेटर ही था, बेटर ही था। लोगों को तू सजेस्ट करना चाहते है इसमें क्यों आए और नहीं आए? फिलहाल अभी बहुत लोग आ रहे हैं इकफाई में, सीरियसली बोल रहा हूँ, एडमिशन ले रहे बहुत लोग। मेरे घर के पास भी एक है जो इकफाई में एडमिशन लेना चाहता है। एजुकेशन पहले से थोड़ा बेटर होने जा रहा है अभी, क्योंकि बहुत एडुकेटेड टीचर लोग आ रहे हैं, तो तुझे क्या लगता है? हाँ वैसे तो इकफाई में पहले तो इतना, मतलब टीचर थे, हम लोग भी जब आए थे तब टीचर थे, लेकिन अभी बहुत एडुकेटेड क्वालिफाइड टीचर आ रहे हैं। हाँ अभी आ रहे हैं, पहले से अभी भी बहुत आ रहे हैं। हाँ, पहले से तो प्रैक्टिकल वगैरह भी बहुत कुछ बहुत अच्छा रहा, प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा है। ओके थैंक यू तेरे रिव्यू के लिए, बजाओ ताली। Thank you.
ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। और मैं अभी पूछने जा रहा हूँ शिखर से भाई, हेलो। तो भाई बोल रहे कि भाई इंग्लिश से बोलने वाला है, तो सर प्लीज गिव योर रिव्यू, योर एक्सपीरियंस इन इक्फाई। इट इज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, इट इज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। टुडे इन द लास्ट डे वी हैव गैदर्ड हेयर विथ ऑल आवर बेस्टमेट्स, आवर जूनियर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। इट इज़ मार्वेलस इवेंट, सो आई विल श्योरली मिस दिस डे, गोल्डन डेज। शिखर, share your experience, what you spent in your ICFAI about that. It is a good university. The faculty are also so good and helpful, and they are very supportive. Okay, Shikhar, your last question. You want to give some guide to our new student who are thinking to take admission in ICFAI? Yeah, the students now who are appearing HS exam and who are thinking. What type of guide you want to give to them? You want to admit in ICFAI, you can easily join. And it is a very should nice. They join? Yes, you why? Should join, because it is faculty are so knowledgeable. Faculties from various state, you will get a good atmosphere for study as well as your co-curriculum activities. So you can join. It is okay, Shikhar. Thank you for your review. And आप लोगों ने सुना शिखर ने क्या बोला, तो मैं वही बोलना चाहूँगा, आप लोग आइए, एडमिशन लीजिए, किस कारण से लेना है वो भी उसने बताया। तो हम लोग आज फेयरवेल था, बहुत ही मज़ा आया। तो आप लोगों को ये वीडियो मज़ा आया तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना। कविता, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग अदर्स। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपका ICFAI का जानने का सवाल। बहुत अच्छा था, लाइक ब्रेक डाउन भी हुई हूँ और बाद में ठीक भी हुई हूँ। तो ICFAI ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ सिखाया है। पढ़ाई तो होते ही रहते हैं, ज़िंदगी भर चलता ही रहता है, लेकिन जो फ्रेंड्स मिले हैं मुझे, जैसे जो ब्लॉग कर रहा है अभी विशाल, वो मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है एकदम फर्स्ट जर्नी से। और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो है ज्योति, वो मेरी सबसे अच्छी सहेली है अब तक का। डिस्टर्बेंस क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। ये लोग कोई होना चाहिए। शी इज सो स्वीट एंड आई रियली लव हर टू मच। एंड बाकी तो मेरे दोस्त हैं ही, वो सब मेरे दोस्त हैं। और मेरे जूनियर्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो कि अभी फोटो शूट कर रहे हैं। वो सब मेरे बहुत फेवरेट हैं। और अगर आपको मन है ICFAI में आने के, तो आप आ सकते हो, क्योंकि पढ़ाई में बहुत स्ट्रेस है लेकिन ज़िंदगी चिल है। तो और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। श्योर। आईकेरिया जो होता है या फ्रेशर जो होते हैं, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, कैसा होता है, मजा वो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है, जो कि हमारा दोस्त हैंडल करता है, उसका नाम है मजरूल। प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, उसकी भी एक अकाउंट है मजरूल इस्लाम। तो वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, वो ही पूरा प्रोग्राम वीडियोग्राफ करता है। और ऐसे प्रोग्राम्स बहुत ही अच्छा होता है हमारे यहाँ पर। सेलिब्रिटी वगैरह आते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं, फिर डीजे नाइट होता है। मतलब मत पूछो कि कैसा होता है, बवाल हो जाता है, बवाल। ओके, तो मैं फोटो खिंचवाने जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। तो गाइस, फाइनली हो चुका है हम लोग का रिव्यू और फेयरवेल बहुत खत्म। तो इस वीडियो को करेंगे अभी खत्म, और कितना भी देखोगे तो इस वीडियो का करते हैं खत्म। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज शेयर कर देना जितने लोगों के साथ हो सके, और भाई को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर, एकदम बेस्ट है अपना सीनियर, जरूर करना। थैंक यू। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, कीप सपोर्टिंग विशाल शाह ब्लॉग्स।